हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है कीवीप टेक। और दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेके आऊं एक सर्वे इंजीनियरिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्सिस इन सर्वे। यानी कि सर्वे में आप जितने भी एक्सिस पढ़ते हैं, जैसे कि चाहे वो टेलीस्कोप में हो या आपका थियोडोलाइट में हो, जैसे कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन, लाइन ऑफ साइट, एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ट्रूनिन एक्सिस, तो इन सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस एंड नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और दोस्तों इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों शेयर कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां आप देख सकते हैं ये क्या है, ये टेलीस्कोप है। कुछ इस प्रकार का होता है टेलीस्कोप, ठीक है, जिसका एक हिस्सा जो है थोड़ा पतला रहता है और जो इसका दूसरा हिस्सा है थोड़ा ऐसे मोटा रहता है, ठीक है। मेरे पास टेलीस्कोप तो नहीं है, लेकिन मैं ऐसे आपको समझाने के लिए दिखा सकता हूं कि कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। जैसे कि यहां पर देख सकते हैं आप, ये हिस्सा क्या होता है, आगे वाला छोटा होता है, ठीक है। और यहां पर जो लेंस लगा रहता है उसे बोलते हैं हम आईपीस, ठीक है। यहां से इधर से हम देखते हैं, ठीक है। और ये होता है ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, वो रहता है यहां पर, ठीक है, इस चौड़े वाले हिस्से पर, ठीक है। और ये जो आईपीस है इसके ही पास में एक होता है डायफ्राम, इसे बोलते हैं हम क्रॉस एयर, ठीक है। इधर लगभग इधर होता है आपका डायफ्राम या क्रॉस एयर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट क्या होती है कि आपके डायफ्राम से लेकर ऑब्जेक्टिव लेंस की जो ऑप्टिकल सेंटर है उसके बीच में जो इमेजिनरी लाइन जाती है इसे बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट, ठीक है, समझ गए। यानी कि इस क्रॉस एयर से लेके यहां ऑब्जेक्टिव लेंस जो लगा हुआ है उसके ऑप्टिकल सेंटर पे के बीच में जो इमेजिनरी लाइन जा रही है उसे बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट है एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप क्या होता है, आपके आई पीस से लेकर ऑब्जेक्टिव जो लेंस है उसके जो सेंटर से पास होकर जो एक्सिस जा रही है, ठीक है, इमेजिनरी एक्सिस, उसे बोलते हैं एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, समझ गए ना। कि मतलब क्या है कि अगर डायफ्राम से ऑब्जेक्टिव के बीच में अगर हम एक्सिस की बात करें तो वो होगा लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट, और अगर हम आईपीस से लेकर ऑब्जेक्टिव तक की बात करें तो वो होगा एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप। दोस्तों यहां ध्यान रखने वाली बात ये है, इफ द लाइन ऑफ साइट इज हॉरिजॉन्टल देन इट इज कॉल्ड लाइन ऑफ कॉलिमेशन। यानी लाइन ऑफ कॉलिमेशन और लाइन ऑफ साइट तो होता तो एक ही है, पर उसमें जरा सा डिफरेंस क्या है कि अगर आपका लाइन ऑफ साइट टिल्ट है, ठीक है, तो क्या होगा उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, और अगर वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल हो जाए तो उसे ही बोलते हैं हम लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। यानी कि लाइन ऑफ कॉलिमेशन लाइन ऑफ साइट एक ही है, लेकिन अगर प्योर हॉरिजॉन्टल है, जैसे कि आपके डायग्राम में है प्योर हॉरिजॉन्टल है, तो इसे फिलहाल हम बोलेंगे लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम यानी क्रॉस हेयर, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक आपका वर्टिकल हेयर लगा रहता है और तीन हॉरिजॉन्टल हेयर्स, जिसमें से ऊपर वाली और नीचे वाली को बोलते हैं स्टेडिया, और जो बीच वाली होती है सबसे बड़ी, ठीक है, इसे बोलते हैं कॉलिमेशन हेयर, ठीक है। चलिए तो दोस्तों अब हम बात करेंगे आपके जो थियोडोलाइट होता है उसमें कितने एक्सिस होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मान लीजिए एक थियोडोलाइट है, ठीक है, थियोडोलाइट है, उसका ये क्या है, टेलीस्कोप है। अब टेलीस्कोप के सेंटर से यानी यहां पर आईपीस है, यहां ऑप्टिकल लेंस है, इनके सेंटर से जो लाइन जाएगी इमेजिनरी लाइन, ठीक है, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन, जैसा कि अभी आपने पढ़ा। और दोस्तों आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है, कि आपके जो ये आपका टेलीस्कोप है इसके जो सेंटर से जाए वो क्या होगा, लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है। अब क्या है, इसके परपेंडिकुलर जो ये लाइन होती है, जो ये इमेजिनरी लाइन होती है, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस, और इसे ही बोलते हैं हम ट्रूनियन एक्सिस, ठीक है। दोस्तों एक बार बता दूं कि इस वीडियो के लास्ट में हम एक क्वेश्चन पेपर सेट लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि आपका ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है इसी के अबाउट जो है आपका जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप वो आपके वर्टिकल सरफेस में ऐसे घूमता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट, हॉरिजॉन्टल या ट्रूनियन एक्सिस के अबाउट, ठीक है। और जो आपका एक प्लेट होती है, जो वर्टिकल प्लेट होती है, जो इस साइड लगी होती है, उससे जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है,
आप ये तो जानते हैं ये वर्टिकल एक्सिस है, ये वर्टिकल एक्सिस है और ये प्लेट लेवल, ठीक है दोस्तों, आप इमेज में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये है, अब इसके बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन है दोस्तों, आपको ध्यान रखिए। जैसे यहां पर है लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू हॉरिजेंटल एक्सिस, ठीक है, आप देख सकते हैं दोस्तों इमेज में कि लाइन ऑफ जो साइट है, लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजेंटल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है दोस्तों लाइन ऑफ साइट पैरेलल टू एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है, पैरेलल टू एल्टीट्यूड लेवल देख सकते हैं आप, लाइन ऑफ साइट ये है और एल्टीट्यूड लेवल ये है, ये दोनों के पैरेलल होता है, ठीक है दोस्तों। इससे ही आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, अभी हम लास्ट में क्वेश्चन पेपर सेट सॉल्व करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा। थर्ड है लाइन ऑफ साइट परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, लाइन ऑफ साइट कहां है, लाइन ऑफ साइट ये रहा, लाइन ऑफ साइट ये है और वर्टिकल एक्सिस ये है, तो ये और ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। नेक्स्ट है प्लेट लेवल एक्सिस परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, आपका जो ये वर्टिकल एक्सिस होता है, ये वर्टिकल एक्सिस, ये जो ये प्लेट लेवल है इस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इफ एनी एरर देन एलिमिनेटेड बाय बोथ फेस ऑब्जर्वेशन, अगर इसमें से कोई भी एरर है, यानी कि मान लीजिए कि लाइन ऑफ साइट पैरेलल नहीं है एल्टीट्यूड लेवल के, या लाइन ऑफ साइट इज नॉट परपेंडिकुलर विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो क्या करेंगे हम, बोथ फेस ऑब्जर्वेशन करते हैं, इससे ये जो एरर है वो दूर हो जाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो आप ये दोनों पॉइंट भी ध्यान रखेंगे दोस्तों। एक होता है स्पायर टेस्ट, स्पायर टेस्ट यूज किया जाता है, यूज इन द एडजस्टमेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे क्या बोलते हैं, ट्रूनेन एक्सिस, ठीक है, इसे एडजस्ट करने के लिए स्पायर टेस्ट का यूज किया जाता है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों इसमें कि इंडेक्स एरर इफ द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज नॉट परपेंडिकुलर, सॉरी पैरेलल टू द एल्टीट्यूड लेवल, ठीक है, अगर आपका लाइन ऑफ कॉलिमेशन जो है वो एल्टीट्यूड लेवल के पैरेलल नहीं है तो उसे बोलते हैं इंडेक्स एरर, ठीक है। तो दोस्तों चलिए एक सेट पेपर सॉल्व कर लेते हैं, इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आने वाले एग्जाम में या आपके जो प्रीवियस ईयर है उसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एमसीक्यू सेट पेपर। दोस्तों अगर आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड आप एक बार सेट पेपर, कोई भी क्वेश्चन आप जरूर एक बार लगा लीजिए, इससे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ उस टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आज मैंने एक्सिस ऑफ सर्वे के बारे में डिस्कस किया, तो आज मैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ जो हमने अभी पढ़ा हमने तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर हम एक एमसीक्यू सेट पेपर लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन द इंट्रीगल पार्ट ऑफ द थियोडोलाइट एंड इज माउंटेड ऑन ए स्पिंडल नोन एज हॉरिजेंटल एक्सिस। दोस्तों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि आपका आपके जो थियोडोलाइट का ऐसा कौन सा पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है जो आपका हॉरिजेंटल एक्सिस पर क्या होता है, माउंट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए टेलीस्कोप, ऑप्शन नंबर बी इंडेक्स फ्रेम, ऑप्शन नंबर सी हॉरिजेंटल प्लेन वर्नियर, ऑप्शन नंबर डी हॉरिजेंटल सर्किल। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए टेलीस्कोप। दोस्तों आप इमेज में भी देख सकते हैं कि आपका जो टेलीस्कोप है ये क्या हॉरिजेंटल जो एक्सिस है, हॉरिजेंटल एक्सिस है, इस पर क्या है, माउंट है, इस पर जुड़ा हुआ है, ठीक है, और इसके अलोंग ही जो है ये वर्टिकल प्लेन में जो है ये मूव करता है, ठीक है। दोस्तों अगर आपने जो थ्योरी है इसकी आपके एक्सिस की, अगर आपने इसे ठीक से पढ़ा है, जो मैंने बताया, अगर आपसे ठीक से समझाएं तो आपके सभी क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एक्सिस अबाउट विच द टेलीस्कोप कैन बी रोटेटेड इन द हॉरिजेंटल प्लेन इज कॉल्ड, ठीक है, हॉरिजेंटल प्लेन में जब आपका टेलीस्कोप मूव करता है, ठीक है, टेलीस्कोप जो है रोटेट करता है तो किस एक्सिस के अलॉन्ग करता है। तो दोस्तों अगर हॉरिजेंटल प्लेन है तो ऑप्शन ए, पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसमें, ऑप्शन ए है हॉरिजेंटल एक्सिस, ऑप्शन बी है वर्टिकल एक्सिस, ऑप्शन सी एक्सिस ऑफ लेवल ट्यूब, या ऑप्शन डी लाइन ऑफ कॉलिमेशन। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, हॉरिजेंटल प्लेन में अगर आपका रोटेट कर रहा है तो किस एक्सिस के अलोंग रोटेट करेगा, वो वर्टिकल एक्सिस। और अगर क्वेश्चन में ये दिया रहता कि वर्टिकल प्लेन के अलोंग जो है मूव कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो किस एक्सिस के अलोंग करता, फिर वो करता ऑप्शन नंबर ए के अकॉर्डिंग, यानी हॉरिजेंटल एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों आप कोशिश कीजिए कि मेरे आंसर बताने से पहले ही आपका आंसर आ जाए, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द आईपीस इन द टेलीस्कोप और द सर्वेइंग इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस, आईपीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के जो सेंटर से पास होती है जो इमेजिनरी लाइन, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ऑप्शन बी लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ऑप्शन सी ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप या ऑप्शन डी रेफरेंस एक्सिस। तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा था कि अगर आपकी एक्सिस जो है वो ऑब्जेक्टिव से आईपीस तक जाएगी तो वो क्या कहलाएगी? एक्सिस ऑफ टेलीस्कोप, यानी ऑप्शन नंबर सी एक्सिस, ऑप्टिकल एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। और दोस्तों अगर इस क्वेश्चन में ये दिया होता कि डायाफ्राम से आपका अगर ऑब्जेक्टिव तक जाता, डायाफ्राम से अगर ऑब्जेक्टिव तक जाता तो क्या कहलाते हैं उसे? उसे क्या बोलते? उसे बोलते लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ठीक है, उसे बोलते हैं लाइन ऑफ कॉलिमेशन या लाइन ऑफ साइट। दोस्तों देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका CS 97 में पूछा गया था, ठीक है। तो दोस्तों इस टॉपिक से आपके सभी एग्जाम में लगभग लगभग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सेट पेपर आप जरूर एक बार लगाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द सर्वेइंग टेलीस्कोप डायाफ्राम इज हेल्ड। जो आपका डायाफ्राम होता है वो सर्वेइंग टेलीस्कोप में किस जगह पर होता है? तो ऑप्शन नंबर ए इनसाइड द आईपीस, ऑप्शन नंबर बी इनसाइड द ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन नंबर सी नियरर टू द आईपीस, ऑप्शन नंबर डी नियरर टू द ऑब्जेक्टिव। तो दोस्तों अभी मैंने एक इमेज दिखाया था, उसमें आपने देखा था कि जो डायाफ्राम होता है वो आपके आईपीस के ज़्यादा नज़दीक होता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नियरर टू द आईपीस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज आल्सो कॉल्ड, हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ए इनर एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी आउटर एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी ट्रूनियन एक्सिस या ऑप्शन नंबर डी लाइन ऑफ साइट। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसे क्या बोलते हैं? हम ट्रूनियन एक्सिस। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्टिकल सर्किल इज इन द सर्कुलर ग्रेजुएटेड आर्क अटैच टू द एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। जो आप देख सकते हैं दोस्तों, जो ये वर्टिकल सर्किल है, वर्टिकल सर्किल ये टेलीस्कोप में किस एक्सिस पर आपका अटैच रहता है? तो ऑप्शन नंबर ए इनर एक्सिस, ऑप्शन नंबर बी आउटर एक्सिस, ऑप्शन नंबर सी ट्रूनियन एक्सिस या ऑप्शन नंबर डी लाइन ऑफ साइट। तो दोस्तों जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं और दोस्तों आपने अभी थ्योरी में भी पढ़ा कि आपका जो वर्टिकल सर्किल होता है ये आपके हॉरिजेंटल जो आपके एक्सिस रहता है, हॉरिजेंटल जो एक्सिस रहता है इस पे क्या होता है आपका? अटैच रहता है वर्टिकल सर्किल, ठीक है। तो इसका आंसर है हॉरिजेंटल एक्सिस। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हॉरिजेंटल एक्सिस को ही क्या बोलते हैं? ट्रूनियन एक्सिस। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करना है, जो भी इसका राइट आंसर है आप कमेंट कीजिए। अगर आपने इसका सही आंसर दिया तो इसका मतलब ये टॉपिक आपका बिल्कुल पक्का हो गया, और इससे रिलेटेड अगर कोई सा भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो आप गलत नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है जो मैंने बताया, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप एक बार उसे जाके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, आपको हेल्प मिलेगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है, व्हेन ए थियोडोलाइट इज इन द प्रॉपर एडजस्टमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन बिटवीन द फंडामेंटल लाइन आर सेटिस्फाइड, ठीक है। तो फर्स्ट है, एक्सिस ऑफ द प्लेन टेबल इज परपेंडिकुलर टू द वर्टिकल एक्सिस। सेकेंड है, द लाइन ऑफ कॉलिमेशन इज एट राइट एंगल टू द वर्टिकल एक्सिस। थर्ड है, द एक्सिस ऑफ द एल्टीट्यूड लेवल इज द पैरेलल टू द लाइन ऑफ कॉलिमेशन वन इट इज हॉरिजेंटल एंड द वर्टिकल सर्किल रीड्स जीरो, ठीक है। अब आपको क्या बताना है, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, ठीक है। अब आपको दोस्तों बताना है ये जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीनों जो स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो जो भी इसका राइट आंसर हो दोस्तों आप कमेंट कीजिए, आप कमेंट करेंगे तो आपको ये है कि ये टॉपिक आपको पक्का हो जाएगा और आपको आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर दूंगा, ठीक है। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों इसे शेयर करेंगे मुझे उतना सपोर्ट मिल पाएगा और मैं ऐसी वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।